नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट वेबसाइट, जो देख सकते हैं आप इस टाइप पे। जब से पहले हम लोग ने यहाँ पे रेस्टोरेंट का नाम लिख दिया है अमित रेस्टो। इसके बाद यहाँ पे नेविगेशन बार कुछ बना दिया हम लोग ने, जैसे होम, मेन्यू, अबाउट, लोकेशन एंड कॉन्टैक्ट अस। इसलिए जब भी कर्सर लेके जाएंगे तो इसके देखिए कलर चेंज रहा है, उसके अंदर हम लोग ने अंडरलाइन डाला है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग ने दो आइकॉन डाला है, एक सर्च का आइकॉन है एक और एक बार का आइकॉन है मेन्यू का। इसके बाद यहाँ पे हम लोग ने कुछ टैक्स ऐड कर दिया है, आर यू हंग्री, डोंट वेट यहाँ पे। इसके बाद चेक आउट मेन्यू डाला है हम लोग ने। इसके बाद यहाँ पे हम लोग ने इमेज डाला है। यहाँ पे हम लोग ने सोशल मीडिया का एक आइकॉन ऐड कर दिया है यहाँ पे चार। जब भी इस पर कर्सर लेके जाएंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में हम लोग ने दो इमेज डाला है। जब भी इस पर क्लिक करेंगे दोनों इमेज पर, ये देखिए ये वाला इमेज चेंज हो जाएगा। ये वाला हम लोग ने क्लिक किया, ये इमेज चेंज होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस टाइप का ये इमेज चेंज होगा। आज हम लोग इस टाइप का कुछ बनाने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगाओ। लेट्स चलते अपने VS Code Editor पे। VS Code Editor के आ गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग ने तीन टाइप का फाइल बनाया है, HTML फाइल और CSS फाइल और JavaScript फाइल। ये तीनों फाइल है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड के लिए इमेज यूज करने ये वाला हम लोग बैकग्राउंड के लिए यूज करेंगे। इसके बाद दो इमेज और यूज करेंगे जो हम लोग का फोटो रहेगा। पहला ये रहेगा, दूसरा ये। ये दोनों हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से भी करेंगे और CSS की मदद से। लेट्स सबसे पहले जो HTML का फाइल बनाया है वहाँ पे HTML हेड, इसके बाद टाइटल डाल देंगे। टाइटल में हम लोग डालेंगे रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट वेबसाइट लेट्स। इसके बाद यहाँ पे आते हैं बॉडी टैग ओपन करेंगे। सबसे पहले हम लोग टॉप पार्ट बनाएंगे तो इसका क्लास नेम रखेंगे टॉप। लेट्स यहाँ पे आते हैं। इसके बाद हम लोग इसके अंदर लोगो डालेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं लोगो। लोगो हम लोग डालेंगे अमित रेस्टो। इसके बाद यहाँ पे हम लोग नव बार बनाएंगे जिसके अंदर हमारा मेन्यू रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग नव बार डाल देते हैं या नव। तो यहाँ पे हम लोग एंकर टैग का प्रयोग करेंगे जिसके अंदर हम लोग लिंक करेंगे। पर हम लोग इस समय सिर्फ UI डिजाइन बना रहे हैं सिर्फ ओनली। लेट्स टोटल हम लोग पाँच ऑप्शन देने वाले हैं, तो इसको पाँच बार यहाँ से एक बार कॉपी करते हैं, पाँच बार पेस्ट करेंगे, चार बार और। लेट्स ये हो गया। अब सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पे नाम देते हैं होम। इसके बाद दूसरा ऑप्शन देंगे हम लोग मेन्यू। लेट्स इसके बाद देंगे हम लोग इसको अबाउट। सेकंड लास्ट हमारा रहेगा लोकेशन और हमारा लास्ट रहेगा कॉन्टैक्ट। लेट्स ये हमारा बन गया। इसके बाद हम लोग लास्ट में यहाँ पे कुछ जहाँ पे हमारा नौ बार ख़त्म होता है, इसके बाद यहाँ पे हम लोग दो आइकॉन देने वाले हैं, एक सर्च के लिए और एक बार के लिए मेन्यू के लिए। तो ये दोनों आइकॉन हम लोग यूज करने के लिए हम लोग को फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्रोम ब्राउजर पे आते हैं, यहाँ पे टाइप करेंगे CDNJ फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी ही, जो आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके वहाँ से वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा पूरा। यहाँ से मैं देख रही है वर्जन चल रहा है 6.3 चल रहा है। तो यहाँ पे जो हम लोग का है कॉपी लिंक टैग करेंगे, आएंगे अपने VS Code के अंदर, बिटवीन द हेड टैग के अंदर हम लोग पेश करेंगे। लेट्स इसके बाद फॉन्ट को हम लोग यूज करने के लिए यहाँ पे एक नया डिव टैग क्रिएट करते हैं जिसका क्लास नेम दे देते हैं हम लोग सर्च। लेट्स इसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे पहला फॉन्ट सर्च के लिए। तो यहाँ पे क्लास नेम देते हैं, क्लास नेम देंगे फा सॉलिड फा सर्च। लेट्स इसको सेव करते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोग ओपन करेंगे अदर ब्राउजर से, क्रोम से ओपन करते हैं। लेट्स सी इट, ये देखिए हमारा आइकॉन हो गया। इसके बाद हम लोग एक मेन्यू का भी आइकॉन डालेंगे यहाँ पे, आई क्लास फा सॉलिड फा बार, हम लोग बार का एक आइकॉन डालने वाले हैं। लेट्स इसको सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, पेज को रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए ये आ गया। इसके बाद हम लोग इसको डिजाइन करेंगे, इसको हॉरिजॉन्टली लाएंगे इन सबको और इसका प्लेसमेंट डिजाइन करेंगे और बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड का हम लोग इमेज भी लगाएंगे। लेट्स यहाँ पे जो CSS फाइल बनाए उसको डिजाइन करेंगे। लेट सबसे पहले यहाँ पे जो CSS फाइल है इसको HTML के फाइल में लिंक करेंगे, REL। इसके बाद यहाँ पे डालेंगे स्टाइल शीट एच रेफरेंस के जगह पे डाल देंगे हम लोग स्टाइल डॉट CSS।
विद एक्सटेंशन के साथ फाइल नेम डालेंगे लेट्स, ये हमारा हो गया। इसके बाद जो हम लोग ने बनाए सारे टैग के जो बाय डिफॉल्ट है पैडिंग और मार्जिंग उसको हटाएंगे यूनिवर्सल सेक्टर से, पैडिंग जीरो मार्जिन जीरो, लेट्स सेव करते हैं। यहाँ पे आएंगे पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए हमारा इस टाइप पे आ गया। इसके बाद हम लोग ने जो ये बनाया है यहाँ पे टॉप पार्ट, ये वाला टॉप पार्ट इसको डिजाइन कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग इसको बैकग्राउंड का जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो हम लोग देंगे, तो लेट्स यहाँ पे सबसे पहले बॉडी डिजाइन करते हैं। इसका बॉडी, बॉडी में हम लोग इसका विड्थ देंगे 99%, लेट्स। इसके बाद इसका हाइट देंगे, इसका हाइट रहेगा 97%, लेट्स। बैकग्राउंड इमेज, हम लोग बैकग्राउंड इमेज यूज करने वाले हैं ये वाला, तो लेट्स यहाँ पे आते हैं URL सिंगल कोट्स के अंदर यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड, बी कैपिटल है, बैकग्राउंड 2.png, लेट्स सेव करेंगे। यहाँ पे अगर चेक करना है कि हमें ये नाम सही दिया तो इस पर कर्सर लेके जाएंगे, कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे तो ये इमेज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा अगर उसी पाथ में होगा तो, लेट्स ये हमारा हो गया। इसके बाद यहाँ पे आते हैं पेज को रिफ्रेश करेंगे अपने, इसको देखिए पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए हमारा बैकग्राउंड आ गया। इसके बाद हम लोग ये पूरा फुल्ली कवर नहीं है जो हम लोगों ने विड्थ और हाइट दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड साइज कवर, लेट्स यहाँ पे सेव करते हैं। ये देखिए कुछ हमारा इस टाइप पे आ गया। इसके बाद हम लोग जो टॉप बार बनाया लोगो और ये नव बार, इसको सबसे पहले हम लोग करते हैं फुल्ली प्रॉपर मैनेज। सबसे पहले हम लोग ये टॉप जो क्लास बनाया इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, आएंगे यहाँ पे डॉट लगा के पेश करेंगे, लेट्स। सबसे पहले इसको डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कर या फ्लैक्स डायरेक्शन कर लेते हैं कि हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल में कर दें, फ्लैक्स डायरेक्शन रो, लेट्स इसको सेव कर दें। यहाँ पे आते हैं, ये देखिए कुछ इस टाइप पे आ गया। इसके बीच में हम लोग को स्पेस चाहिए तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंट स्पेस बिटवीन, लेट्स सेव करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए इसके बीच में हम लोग को रिफ्रेश आ गया। इसके बाद इसको हम लोग को पूरे को सेंटर में लाना है, मतलब सेंटर में करना है, तो यहाँ पे हम लोग इसकी हाइट भी डाल देंगे, इसकी हाइट डालेंगे 80 पिक्सल, लेट्स सेव करेंगे। और इसको हम लोग अलाइनमेंट आइटम्स सेंटर, लेट्स सेव करते हैं। ये देखिए ये यहाँ से बीच में डिफरेंस आ गया। इसके बाद हम लोग को लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड हम लोग को थोड़ा गैप चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे पैडिंग, लेट्स पैडिंग हम लोग देंगे इसको 0 पिक्सल देंगे टॉप और बॉटम के साइड, 40 पिक्सल देंगे लेफ्ट और राइट के साइड, लेट्स यहाँ पे आते हैं पेज को रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी स्पेस आ गए, यहाँ पे भी आ गए। सबसे पहले हम लोग जो ये लोगो दिया है अमित रिस्टो इसको सबसे पहले डिजाइन करेंगे, यहाँ से आते हैं ये लोगो को कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे अपने यहाँ CSS की फाइल में, यहाँ पे डॉट लगा के पेस्ट करते हैं, लेट्स। सबसे पहले इसको देंगे इसका फॉन्ट साइज, इसका फॉन्ट साइज देंगे हम लोग 30 पिक्सल, लेट्स। इसका कलर देते हैं, कलर इसका ऑरेंज, लेट्स सेव करेंगे। यहाँ पे आएंगे पेज को रिफ्रेश करते, ओके हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हम लोग ने इसको लोगो को ओके हम लोग ने यहाँ पे क्लास नेम की जगह यहाँ पे लिख दिया लैंग, लेट्स इसको यहाँ पे चेंज करते हैं क्लास। अब सेव करेंगे, आते हैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते, ये देखिए हमारा हो गया। इसका जो हम लोग ने नव पर बनाया है यहाँ पे उसको डिजाइन करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, आएंगे अपने यहाँ पे डॉट लगा के पेस्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग इसका हम लोग पोजीशन रखेंगे, इसको हम लोग जो इस साइड है इसको थोड़ा से इस साइड लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, तो इसको पोजीशन रिलेटिव, इसके बाद इसका लेफ्ट साइड -180 पिक्सल, लेट्स इसको सेव करें। ये देखिए यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे, इस साइड शिफ्ट हो गया। इसके बाद इन दोनों के बीच में हम लोग को डिफरेंस चाहिए, जो हम लोग ने यहाँ पे एंकर टैग यूज किया ए, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इसको डिजाइन करेंगे। सबसे पहले इन दोनों के बीच में हम लोग गैप देंगे तो 5 पिक्सल 15 पिक्सल, लेट्स सेव करते हैं। ये देखिए सब सारे मेन्यू के बीच में डिफरेंस स्पेस आएगा, ये देखिए आ गया। इसके बाद जो हम लोग ने इसका कलर ब्लू है इसका कलर हम लोग चेंज करेंगे और इसका अंडरलाइन भी, लेट्स। सबसे पहले इसका कलर डालते हैं, इसका कलर हम लोग डालेंगे ऑरेंज, लेट्स। इसके बाद इसका फॉन्ट साइज देते थे इसको हम लोग 20 पिक्सल, लेट्स सेव करते हैं। यहाँ पे देखिए पेज को रिफ्रेश किए, ये देखिए इस टाइप पे आ गया। इसके बाद जो ये अंडरलाइन दिख रहा है ये अंडरलाइन हमको नहीं चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन
नन, लेट्स सेव करेंगे। यहाँ पे देखिए ये अंडरलाइन चला गया। जब हम भी इस पर कर्सर ले गएंगे तभी इस पर अंडरलाइन आना चाहिए और इसका कलर चेंज होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे एक करेंगे एंकर टैग पे, जब भी हम लोग हावर करें तभी इसका कलर चेंज होना चाहिए। तो कलर इसका चेंज होगा वाइट और इसके अंदर अंडरलाइन आना चाहिए। तो यहाँ पे डालेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, लेट्स इसको सेव करते हैं। यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे कि हम लोग ने इसको सेव नहीं किया था। यहाँ पे सेव करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए जब भी इस पर लेके जा रहे हैं कर्सर, ये देखिए इसका अंडरलाइन आ जा रहा है बट इसके बीच में गैप नहीं हो रहा। तो इसके बीच में हम लोग गैप करने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे टेक्स्ट अंडरलाइन, अंडरलाइन पोजीशन अंडर, लेट्स। इसके बाद आते हैं पेज को रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए कर्सर लेके जाते हैं, ये देखिए इसके बीच में अभी स्पेस आ गया, ये हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग ये जो आइकॉन यूज किया है उसको डिजाइन करते हैं। यहाँ पे आएंगे, ये देखिए हम लोग ने जो सर्च लिया है यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। आएंगे अपने यहाँ पे CSS के फाइल में जो हम लोग ने बनाया है। यहाँ पे सबसे पहले नीचे आएंगे, डॉट लगा के पेस्ट करेंगे, लेट्स। इसके बाद सबसे पहले जो सर्च बनाया इसका फॉन्ट साइज डाल देते हैं हम लोग। इसका फॉन्ट साइज देखेंगे हम लोग 25 पिक्सल, लेट्स सेव करते हैं। यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए कुछ इस टाइप पे आ गया। इसके बाद इसके बीच में हम लोग को स्पेस चाहिए तो हम लोग ने यहाँ पे ये सर्च के अंदर आई टैग का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे आते हैं डॉट लगा के सर्च के अंदर हम लोग ने आई टैग किया है। तो आई टैग के हम लोग स्पेस डालेंगे, पैडिंग डालेंगे 5 पिक्सल, इसके बाद 20 पिक्सल, लेट्स सेव करेंगे। यहाँ पे आते हैं पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए हमारा कुछ इस टाइप पे आ गया। इसके बाद हम लोग जो हेडर, अब हेडिंग का जो अंदर है इसके सेक्शन का इमेज वो हम लोग यहाँ पे HTML के अंदर डालेंगे, लेट्स। यहाँ पे हमारे टॉप क्लास नेम है जहाँ पे ख़त्म होता है, ये देखिए हम लोग इस पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे आएंगे, नया ड्यू टैग क्रिएट करेंगे जिसका हम लोग क्लास नेम रखेंगे हेडिंग, क्लास नेम हेडिंग, लेट्स। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग डालेंगे अपना एक लेफ्ट पार्ट, हम लोग इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे। पहले भाग में हमारा यहाँ पे कंटेंट रहेगा जो हम लोग टेक्स्ट डालने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे डालेंगे हम लोग इमेज, तो इसको एक और डिवाइड कर देते हैं क्लास लेफ्ट, और दूसरा वाला भी हम लोग बना लेते हैं, इसको भी बाद में अभी डिजाइन करेंगे क्लास राइट, ये हमारा हो गया। इसके बाद यहाँ पे टॉप पे हम लोग सोशल मीडिया का डालने वाले हैं तो यहाँ पे एक और क्लास बना लेते हैं ड्यू क्लास सोशल मीडिया। इसके अंदर हम लोग पूरा सोशल मीडिया का आइकॉन डालेंगे। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट पार्ट डिजाइन करेंगे, तो लेट्स लेफ्ट पार्ट के अंदर सबसे पहले हम लोग पैराग्राफ टैग यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आर यू हंगरी, लेट्स ये हमारा हो गया। इसके बाद एक अनदर हम लोग बोल्ड में डालेंगे हेडिंग टैग का यूज करके, H1 का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डोंट वेट। इसके बाद लास्ट हमारा जो इसके अंदर रहेगा पी टैग के अंदर, लेट स्टार्ट टू ऑर्डर फूड नाउ लाउड, यहाँ पे हम लोग ने ई लग दिया। ये देखिए हमारा इस टाइप पे हो गया ऑर्डर फूड नाउ, ये हमारा इस टाइप का बन गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए हमारा ये आ गया। इसके बाद यहाँ पे हम लोग लेफ्ट साइड में जो इमेज यूज करने वाले हम लोग राइट पार्ट में उसको हम लोग CSS की मदद से इस पार्ट में डालेंगे। सबसे पहले जो हम और इसके ये हमारा हो गया। अब ये सोशल मीडिया का, इससे पहले हम लोग ने यहाँ पे एक बटन डाल देते हैं चेकआउट इसके नीचे। तो यहाँ पे हम लोग ने जो बनाया है यहाँ पे आते हैं बटन टैग का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे चेक आउट, ओके स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है मैं काफ़ी, मेन्यू, लेट्स सेव करेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारा आ गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो सोशल मीडिया का आइकॉन यूज करने वाले हैं तो यहाँ पे जो हम लोग ने बनाया है मीडिया, लेट्स यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे अपना पहला यूज करने वाले हैं जो हम लोग फेसबुक का यूज करने वाले हैं, लेट्स क्लास आई टैग का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले क्लास नेम देंगे फा ब्रांड फा फेसबुक,
लेट्स, इसके बाद यहाँ पे हम लोग एफ लगा देते हैं, सिर्फ हम लोग को एफ का चाहिए। लेट्स ये देखिए हमारा ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे आएंगे, पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए हमारा इस टाइप पे यहाँ पे छोटे में आइकॉन आ गया है, ये देखिए ये वाला, ये हमारा आ गया फेसबुक का। इसके बाद सेम टू सेम हम लोग और भी आइकॉन लाएंगे, तो लेट्स क्लास नेम देते हैं फा ब्रांड। अब दूसरा आइकॉन डालेंगे हम लोग ट्विटर के लिए। लेट्स ये हमारा सेव करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए हमारा ये ट्विटर का आ गया। इसके बाद हम तीसरा आइकॉन डालेंगे जो हमारा रहेगा इंस्टाग्राम फा ब्रांड। लेट्स ये हमारा हो गया। इसके बाद हमारा चौथा आइकॉन रहेगा क्लास फा ब्रांड व्हाट्सएप का डाल देते हैं। लेट्स ये हमारा सेव करते हैं, यहाँ पे देखते हैं पेज को रिफ्रेश करके। ये देखिए हमारा ये चारों आइकॉन आ गए, ये हमारा हो गया। लेट्स अब चलते हैं हम लोग इसको CSS की मदद से इसको सबसे पहले डिजाइन करते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। लेट्स सबसे पहले CSS में हम लोग ने जो हेडिंग ये बनाया है इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, आएंगे अपने यहाँ पे CSS के फाइल में जो हम लोग ने यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कमेंट कर देते हैं कि यहाँ से हमारा हेडिंग वाला पूरा कोड चालू है। लेट्स इसके बाद यहाँ पे डॉट लगाएंगे, पेस्ट करेंगे। लेट्स ये हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग सबसे पहले इसको देंगे डिस्प्ले, ये हमारा ब्रैकेट ने ओपन किया था, सबसे पहले इसको डिस्प्ले देंगे फ्लैक्स। इसके बाद इसका जस्टिफाई कंटेंट स्पेस भी इवनली देते हैं। लेट्स इसके बाद पैडिंग देंगे हम लोग टॉप की साइड से। लेट्स टॉप इसको देंगे हम लोग 65 पिक्सल। अलाइनमेंट आइटम सेंटर, लेट्स इसको सेव करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिख जाएगा, ये देखिए हमारा इस टाइप पे आ गया। इससे पहले हम लोग इमेज भी ऐड करते थे जो हम लोग ने यहाँ पे राइट पार्ट में क्रिएट किया है, ये वाला क्लास में राइट दिया है, यहाँ पे हम लोग इमेज भी डाल देते हैं। लेट्स इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे डॉट लगा के पेस्ट करते हैं। लेट्स सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इमेज का विड्थ देंगे, तो इमेज का विड्थ देंगे हम लोग अप्रॉक्स 440 पिक्सल, हाइट देंगे 440 पिक्सल। लेट्स इसके बाद जो हम लोग इमेज यूज़ करने हैं पहला इमेज वो हमारा रहेगा ये वाला फूड जो रहेगा फूड का, या हम लोग ये वाला डाल सकते हैं। सबसे पहले ये वाला डालते हैं, यहाँ पे देखिए ये वाला जो सिंपल सा दिख रहा है हम लोग को फुल, तो यहाँ पे डालेंगे बैकग्राउंड इमेज URL हम लोग ओपन करेंगे, सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे food.jpg। लेट्स इसको सेव करेंगे, यहाँ पे देखिए पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए ये हमारा इमेज आ गया, बट ये रिपीट हो रहा है, वो रिपीट हम लोग को नहीं चाहिए, और जो हम लोग ने ये साइज़ दिया इसको पूरा कवर करना चाहिए। तो यहाँ पे करेंगे बैकग्राउंड साइज कवर, लेट्स सेव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे रिफर, ये देखिए ये पूरा कवर कर लिया। इसको हम लोग ये जो बैक साइड दिख रहा है इसको हम लोग सर्कल में डालेंगे, तो यहाँ पे करेंगे बॉर्डर रेडियस हम लोग इसको कर देंगे इसका 400। लेट्स सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए कुछ हमारा इस टाइप पे सर्कल के टाइप पे आ गया। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक बॉर्डर भी हम लोग यूज करेंगे, तो इसके लिए हम लोग करेंगे यहाँ पे एक सूडो कोड का यूज करेंगे, यहाँ पे राइट बिफोर का। लेट्स इसके बाद यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसका विड्थ डाल देते हैं, इसका विड्थ रहेगा 430 पिक्सल। लेट्स इसकी हाइट देंगे हम लोग 430 पिक्सल। लेट्स बॉर्डर देते हैं इसको 2 पिक्सल सॉलिड वाइट, और इसके बाद कंटेंट, इसका कंटेंट हम लोग लेंगे नन। इसके बाद इसका पोजीशन रहेगा एब्सोल्यूट। लेट्स सेव करते हैं, यहाँ पे देखिए पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए हमारा ये बॉर्डर आ गया, बट ये पूरा प्रॉपर में नहीं है, तो इसका हम लोग बॉर्डर रेडियस देते हैं। इसका बॉर्डर रेडियस रहेगा, बॉर्डर रेडियस इसको देंगे हम लोग 430 पिक्सल। लेट्स सेव करते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारा इस टाइप पे आ गया, बट ये हमें दिख नहीं रहा है, तो इसके बीच में हम लोग पैडिंग डाल देंगे। पैडिंग जो हमारा रहेगा वो रहेगा 10 पिक्सल। लेट्स इसको सेव करते हैं पिक्सल, यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए हमारा कुछ इस टाइप पे आ गया, बट ये कंटेंट सेंटर में नहीं है, तो हम लोग जो ये राइट बनाए हैं यहाँ पे करेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइनमेंट आइटम
सेंटर, लेट्स सेव करते हैं। यहाँ पे आते हैं, पेज को रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए हमारा सेंटर में आ गया। हम सबसे पहले इसको डिजाइन करेंगे, ए वाला जो हम लोग ने ए वाला पूरा कंटेंट रखा है इस पार्ट को डिजाइन करेंगे जो हमारा यहाँ पे एचटीएमएल के फाइल में लेफ्ट पार्ट के अंदर है। तो सबसे पहले जो हम लोग ने पी टैग लिखा है तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लेफ्ट टैग के अंदर पहला वाला जो पी टैग है उसको डिजाइन करेंगे। लेट्स यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कमेंट कर देते हैं लेफ्ट पार्ट का हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। अब डॉट लगा के पेस्ट करते हैं लेफ्ट पार्ट में पहला वाला पी, तो nth पी वन। लेट्स इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम लोग इसका कलर डालते हैं। इसका कलर हम लोग रखेंगे वाइट। लेट्स इसके बाद इसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज देंगे इसको 30 पिक्सल। लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग रहेगा इसका 1 पिक्सल। लेटर स्पेसिंग इंचेस जो हम लोग ने वर्ड दिया है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए। लेट्स इसके बाद इसका फॉन्ट स्टाइल हम लोग रखेंगे इटैलिक। लेट्स इसको सेव करते हैं। यहाँ पे देखिए पेज को रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए हमारा कुछ इस टाइप पे आ गया। इसके बाद हम लोग ने ये जो लिखा है डोंट वेट इसको डिजाइन करेंगे, जो हम लोग ने यहाँ पे लेफ्ट पार्ट के अंदर H1 टैग है तो हम लोग यहाँ पे करेंगे लेफ्ट पार्ट के अंदर H1 टैग। लेट्स सबसे पहले H1 टैग का हम लोग फॉन्ट साइज रखेंगे, फॉन्ट साइज रखेंगे इसका 90 पिक्सल। इसके बाद इसका कलर दे देते हैं, इसका कलर भी वाइट रखेंगे। सेव करते हैं, ये देखिए पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये हमारा कुछ इस टाइप पे आ गया। इसके बाद हमारा जो हम लोग ने यहाँ पे डिजाइन किया है ये लास्ट वाला लेट्स स्टार्ट ऑर्डर, तो इसको हमारा यहाँ पे लेफ्ट पार्ट के अंदर तीसरा पेरेंट है, तीसरा चाइल्ड है, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग इसको कैसे यूज, लेफ्ट पी टैग के अंदर हम लोग का nth तीसरा नंबर चाइल्ड। लेट्स इसको डिजाइन करेंगे, सबसे पहले इसका कलर रखेंगे ऑरेंज। लेट्स इसके बाद इसका फॉन्ट साइज रखेंगे 30 पिक्सल, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। लेट्स सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं पेज को रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए ये हमारा कुछ इस टाइप पे यहाँ पे आ गया। इसका जो हम लोग ने यहाँ पे बनाया है चेकआउट मेन्यू बटन इसको डिजाइन करेंगे, तो यहाँ पे आते हैं अपने, ये देखिए जो हम लोग लेफ्ट पार्ट के अंदर बटन बनाया है उसको डिजाइन करेंगे। लेट्स अपने CSS के फाइल में आएंगे, यहाँ पे डॉट लेफ्ट पार्ट के अंदर हम लोग ने जो बटन बनाया है उसको डिजाइन करेंगे। सबसे पहले इसका विड्थ देंगे, इसका विड्थ रहेगा 150 पिक्सल, इसकी हाइट देंगे हम लोग 30 पिक्सल। लेट्स इसको सेव करके आपको दिखा देते हैं, ये देखिए कुछ इस टाइप पे आ गया। इसके बाद इसका फॉन्ट साइज डालते हैं, फॉन्ट साइज रहेगा इसका 115 पिक्सल। बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस देंगे इसको 20 पिक्सल। लेट्स बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट डालते हैं। इसके बाद हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर रखेंगे, बैकग्राउंड कलर इसका रखेंगे ट्रांसपेरेंट। लेट्स इसके बाद इसका ये हमारा सेव करते हैं, ये देखिए पेज को रिफ्रेश करेंगे, ये हमारा इस टाइप पे आ गया। इसके बाद जो हम लोग ने यहाँ पे लिखा चेकआउट मेन्यू इसका कलर डाल देंगे, कलर वाइट। लेट्स सेव करते हैं, ये देखिए हमारा कुछ इस टाइप पे यहाँ पे आ गया। अब इसके बीच में हम लोग मार्जिन डाल देते हैं जो हम लोग ने डाला है, तो लेट्स मार्जिन टॉप के साइड, टॉप और बॉटम के साइड 20 पिक्सल, लेफ्ट और राइट के साइड 0 पिक्सल। इसको सेव करेंगे यहाँ पे, ये देखिए इसको रिफ्रेश करते हैं, ये हमारा कुछ इस टाइप पे आ गया, ये हमारा हो गया। इसके बाद जो हम लोग ने सोशल मीडिया का बनाया है इस ए वाला ए पार्ट, इसको सबसे पहले डिजाइन करते हैं। लेट्स यहाँ पे आते हैं अपने HTML के फाइल में, जो हमारा ये सोशल मीडिया है क्लास नेम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, आएंगे अपने यहाँ CSS के फाइल में। यहाँ पे हम लोग कमेंट कर देते हैं कि यहाँ पे हमारा सोशल मीडिया का है पूरा कोड। लेट्स इसको यहाँ पे सबसे पहले डॉट लगा के पेस्ट करेंगे सोशल मीडिया। लेट्स सबसे पहले इसको हम लोग देंगे इसका पोजीशन, तो लेट्स इसका पोजीशन हम लोग रखेंगे एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। लेट्स इसके बाद इसका हम लोग राइट पार्ट से 0 करेंगे, लेफ्ट पार्ट से 0। लेट्स इसको सेव करते हैं, यहाँ पे देखिए पेज को रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए हमारा कुछ इस टाइप पे आ गया। इसलिए यहाँ पे हम लोग ने जो ये लेफ्ट पार्ट कर दिया 0, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ओनली राइट पार्ट में करते हैं कि हमें सिर्फ इसी साइड में चाहिए। इसको यहाँ से सेव करेंगे, ये देखिए ये हमारा कुछ इधर आ गया। अब इसको हम लोग
इसको हम लोग वो हॉरिजेंटल में करेंगे, वर्टिकल में करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट हम लोग इसमें यूज करेंगे स्पेस इवनली। इसके बाद अलाइनमेंट आइटम सेंटर, लेट्स सेव करते हैं। ये देखिए हमारा कुछ इस टाइप पे आ गया, बट इसका फ्लैक्स डायरेक्शन डाल देते हैं, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए हमारा कुछ इस टाइप पे वर्टिकल की फॉर्म में आ गया। इसके बाद इसका डालेंगे फॉन्ट विड्थ डाल देते हैं, इसका विड्थ रहेगा 40 पिक्सल, हाइट डालेंगे 200 पिक्सल। लेट्स सेव करते हैं, यहाँ पे आएंगे, पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए हमारा कुछ इस टाइप पे आ गया। इसके बाद हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर डालेंगे, बैकग्राउंड कलर इसको देंगे हम लोग वाइट, सेव करते हैं, यहाँ पे आएंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए हमारा कुछ इस टाइप पे आएगा। इसके बाद ये जो कंटेंट हम लोग साइड में दिख रहा है इसको सेंटर में लाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे जो हम लोग अलाइनमेंट कंटेंट लिखा है यहाँ पे चेंज कर देंगे अलाइनमेंट आइटम्स। इसके बाद देखिए यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए हमारा इस टाइप पे आ गया। इसके बाद ये फॉन्ट जो है इसका छोटा है, इसको हम लोग बड़े करेंगे, इसका फॉन्ट साइज रखेंगे, इसका फॉन्ट साइज हम लोग रखेंगे 25 पिक्सल। लेट्स सेव करते हैं, यहाँ पे आएंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए हमारा कुछ इस टाइप पे आ गया। इसके बाद जब भी इस पर कर्सर लेके जाएंगे इसका कलर चेंज होना चाहिए, तो हम लोग इसको हावर इफेक्ट देंगे। तो यहाँ पे आएंगे सोशल मीडिया के अंदर, जो हम लोग ने सोशल मीडिया बनाया है इसके अंदर आई टैग जो हम लोग ने डाला है यहाँ पे, देख ले आप, दिखा देता हूँ। ये देखिए सोशल मीडिया के अंदर जो आई टैग है यहाँ पे, जब भी इस पर कर्सर लेके जाएंगे तो इसका कलर हो जाना चाहिए ऑरेंज। लेट्स सेव करते हैं, यहाँ पे आएंगे, पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए ये ऑलरेडी ऑरेंज हो गया क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे हावर नहीं लिखा था, हावर। लेट्स सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करते हैं अब। ये देखिए जब भी इस पर कर्सर लेके जाएंगे तभी इसका कलर चेंज होगा। लेट्स ए हमारा हो गया। इसके बाद नीचे हम लोग दो इमेज यूज करेंगे जिस पर क्लिक करने के बाद ए वाला इमेज चेंज होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, जहाँ पे हमारा ये हेडिंग वाला जो सेक्शन है, जहाँ पे हम लोग ने हेडिंग वाला ये बनाया है ये वाला, इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए हमारा हेडिंग का यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम लोग एक नया ड्यू टैग क्रिएट करेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे ड्यू टैग जिसका क्लास नेम रखेंगे हम लोग बॉटम। लेट्स, इसके बाद इसके अंदर हम लोग एक अनदर ड्यू टैग क्रिएट करेंगे जिसका क्लास नेम रखेंगे हम लोग मेन्यू। इसके अंदर हम लोग दो इमेज यूज करेंगे जो हम लोग सीएसएस की मदद से डालेंगे, जिस पर क्लिक करने के बाद वो मेन वाला इमेज चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लोग सबसे पहले आईडी दे देंगे फूड, इसको फूड वन देते हैं आईडी, और इसको भी कॉपी करते हैं, इसका आईडी नेम सिर्फ चेंज करेंगे। लेट्स यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं, इसका आईडी नेम 2 कर देंगे। लेट्स ये हमारा हो गया। अब इसको हम लोग सीएसएस की मदद से इसमें हम लोग इमेज का डालेंगे। तो लेट्स यहाँ पे आते हैं, ये सबसे पहले हम लोगों ने जो दिया है यहाँ पे फूड, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, फूड वन आईडी, यहाँ पे आएंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं बॉटम का जो पूरा सेक्शन है। लेट्स सबसे पहले इसको हैशटैग लगाएंगे, पेस्ट करें, क्योंकि आईडी को हम लोग हैशटैग से यूज करते हैं। सेम टू सेम हम लोग फूड टू को भी यूज करने वाले हैं, जो हम लोग ने आईडी नेम दिया है फूड टू। लेट्स इसको सबसे पहले हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर देंगे, इसका जो भी बैकग्राउंड रहेगा वो पूरा कवर रहेगा, जो भी विड्थ देंगे। तो बैकग्राउंड साइज देंगे इसका कवर। एक सेकेंड, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया है यहाँ पे, बैकग्राउंड साइज कवर हो जाना चाहिए। इसके बाद इसका विड्थ देंगे, इसका विड्थ रहेगा 100 पिक्सल। हाइट देंगे इसका, हाइट इसका भी 100 पिक्सल रहेगा। इसके बाद इसका बॉर्डर रेडियस देंगे 100 पिक्सल। लेट्स इसको मार्जिन देंगे, मार्जिन जो रहेगा 0 पिक्सल, लेफ्ट और राइट मतलब दो इमेज है तो दोनों के बीच में गैप होना चाहिए 20 पिक्सल। लेट्स इसको सेव किए, और सबसे पहले हम लोग अब इमेज डालेंगे वन बाई वन। सबसे पहले एक पहले वाले आईडी जो हम लोग ने दिया फूड वन, यहाँ पे आएंगे, पे सिंगल सिंगल इमेज देंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज यूआरएल, इसका यूआरएल हम देंगे, पहला वाला जो इमेज देंगे हम लोग वो रहेगा हमारा ये फूड वन का, ये वाला हम लोग इमेज देंगे। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे फूड वन। लेट्स इसके बाद जो हम लोग दूसरा देने वाले हैं वो हमारा रहेगा फूड
टू के लिए जो आईडी है फूड टू, यहाँ पे देखिए हम लोग जो आईडी दिया है फूड टू। लेट्स यहाँ पे आते हैं, इसका इमेज देने वाले हैं बैकग्राउंड इमेज यूआरएल, इसका इमेज रहेगा ये जो हम लोग ने फूड डॉट जेपीजी लिखा है वो वाला। लेट्स यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे फूड डॉट जेपीजी। लेट्स इसको सेव करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग देखते हैं इसका आउटपुट, पेज को रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए हमारा ये दोनों इस टाइप पे आ गया। इसके बाद जो हम लोग को ये दोनों वर्टिकल में दिख रहा है इसको हॉरिजॉन्टल में लाते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग ने क्लास नेम मेन्यू रखा है इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, आएंगे अपने यहाँ सीएसएस के फाइल में, डॉट लगा के पेस्ट करते हैं। लेट्स सबसे में यहाँ पे लिख देते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स। लेट्स सेव करते हैं। यहाँ पे देखिए पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए हमारा इस टाइप पे आ गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको मार्जिन लगा देते हैं, थोड़ा सा मार्जिन इसका देंगे 0 पिक्सल 100 पिक्सल लेफ्ट और राइट की साइड में हो जाएगा। ये जो हमारा इस साइड है थोड़ा इस साइड राइट साइड शिफ्ट हो जाए, ये देखिए कुछ इस टाइप पे आ गया। इसके बाद इस पर जब भी क्लिक करेंगे तो ये इमेज चेंज हो जाना चाहिए, तो हम लोग इसके लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे जावा स्क्रिप्ट का। लेट्स ये जावा स्क्रिप्ट का जो फाइल बना हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, जो हम लोग ने फूड वन दिया आईडी और इन दोनों को, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं फूड वन को, आएंगे अपने जावा स्क्रिप्ट में। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं, सेम टू सेम फूड वन ही डालते हैं बट लास्ट में यस लगा देते हैं कि हम लोग को पता चले इसका नाम ये है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। लेट्स यहाँ पे सबसे पहले फूड वन हम लोग बनाएंगे, इसके बाद दूसरा वेरिएबल बनाएंगे जो हमारा ये है फूड टू के लिए, यहाँ पे आएंगे इसको पेस्ट करेंगे, लास्ट में यस लगा देते हैं। लेट्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे भी पेस्ट करेंगे। लेट्स ये हमारा हो गया। इसके बाद हमारा जहाँ पे चेंज हो जाना चाहिए उसको, तो हमारा ये चेंज होगा इस जगह पे जो हम लोग ने यहाँ पे राइट पार्ट में दिया है, यहाँ पे हम लोग को इमेज चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग आईडी इसका भी डाल देते, इसका आईडी डालेंगे हम लोग ओनली आईडी नेम दे देते, इसका फूड ओनली फूड देते हैं। लेट्स इसको भी हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे फूड, यहाँ पे आएंगे जावास्क्रिप्ट में, इसका भी हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं, हम लोग को बार बार कोड नहीं लिखना पड़े इसके लिए, हम लोग ये शॉर्टकट करते हैं। लेट्स फूड लास्ट में भी यस लगा देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। लेट्स यहाँ पे हमारा सेव हो गया। ये हमारा तीन वेरिएबल बन गए जो हम लोग को ये कंटिन्यू ये कोड इतना बड़ा है इसको हम लोग को बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग ने वेरिएबल बनाया जो हमें शॉर्ट कोड में रहे। लेट्स ये हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग जब भी ये इमेज पे क्लिक करेंगे तो हमें ये चेंज हो जाना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे ऐड वेन लिसनर का। लेट्स हमारा जो फूड वन है इसमें सबसे पहले चेंजेस करेंगे। लेट्स ए फूड वन का जो ये वेरिएबल है इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे पेस्ट करेंगे, डॉट लगा के ऐड वेन लिसनर का यूज़ करेंगे। जब भी हम लोग इस पर क्लिक करें तभी होना चाहिए, तो लेट्स हम लोग यहाँ पे कॉल बाय फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जब भी क्लिक करें तो हमारा जो ए पार्ट है चेंज होना चाहिए। ए पार्ट हम लोग ने स्टोर किया है राइट वाले में जो हम लोग आईडी दिए फूड, तो यहाँ पे आएंगे जावास्क्रिप्ट में, आईडी हम लोग ने जो फूड दिया है मतलब फूड्स जो है, तो यहाँ पे आएंगे फूड्स डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इमेज, इसका बैकग्राउंड हम लोग इमेज चेंज करने वाले हैं। लेट्स तो इसका डालेंगे URL कोट्स के अंदर, तो हमारा ये इमेज एक इमेज का नाम है, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हमारा फूड वन का इमेज का नाम है फूड वन डॉट पी एन जी, जो ये यहाँ देखिए फूड वन डॉट पी एन जी जो हम लोग ने सी एस एस की फाइल में दिया, सेम टू सेम इसको कॉपी करते हैं या इस पूरे को कॉपी करेंगे, आएंगे अपने यहाँ जावास्क्रिप्ट की फाइल में, यहाँ पे जो दो कोड्स के अंदर हम लोग कोड्स के अंदर सेम टू सेम पूरा पेस्ट करेंगे। लेट्स ये हमारा हो गया। इसके बाद इसको सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं पेज को रिफ्रेश करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, ओके चेंज नहीं हो रहा है। ओके हम लोग ने जो ये जावास्क्रिप्ट फाइल है बनाया है उसको एचटीएमएल के फाइल में हम लोग ने लिंक नहीं किया है, तो यहाँ पे लास्ट में आते हैं स्क्रिप्ट टैग SRC जावा स्क्रिप्ट डॉट js। लेट्स इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए इस पर क्लिक करते माने चेंज हो जा रहा है,
ये देखिए इस पर क्लिक करते मान, इस पर क्लिक करेंगे तो इमेज चेंज हो जाएगा। ये देखिए इस टाइप पे हो रहा है, बट ये सेकंड वाले पे नहीं हो रहा है। तो सेम टू सेम हम लोग सेकंड वाले के लिए भी ऐसा करेंगे, जो हमारा 42 है। लेट्स इसको, इसी कोड को हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे, अगेन पेस्ट करते हैं। बट यहाँ पे जो हम लोग ने ये food1.as है, यहाँ पे लिख देंगे food2.js। लेट्स इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। लेट्स ये हमारा हो गया। इसके बाद जो हम लोग ने यहाँ पे css में food2 के लिए हम लोग ने जो इमेज रखा है इसको पूरा कॉपी करते हैं। यहाँ से आएंगे अपने यहाँ जावास्क्रिप्ट फाइल में, पूरा कोड हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे, सेम टू सेम जो हम लोग ने लिखा था। लेट्स ए हमारा हो गया। लेट्स यहाँ पे आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। अगेन देखिए हम लोग इस पे इमेज पे क्लिक करें तो ये चेंज हो रहा है, इस पे क्लिक करें तो ये चेंज हो रहा है। ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है। लेट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा लगाओ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और सजेशन ज़रूर देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और वीडियो देखने के लिए क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। फॉर वॉच मोर वीडियो प्लीज़ क्लिक ऑन द वीडियो।